आगे लीडर कैसे कैसे भारी बरकम लोटो जैसे खागे कौम के सारे पैसे फिर भी भूखे नंगो जैसे। पब्लिक है बिजली से बेहाल, अरे पैया जाम हड़ताल, रोए सारी रात माम नहीं चैन ना आराम, तुम ठंड प्रोग्राम खत्म हो गया उसामा, फिर क्यों ड्रोन का हंगामा, ये है मेमो के ड्रामा, ओ बाजी ओबामा, हम तेरे है गुलाम। बोले रईसानी नवा चोर हो या डाकू, लीडर लीडर है जना, उनका पढ़ा लिखा पंजाब, ये भी बांटे लैपटॉप, करे फोन पे खिताब, हजारत मौलाना कहा बुरा जेरा ने साब सारे में मुल्के नवा, उनकी बोली है निराली, सब झूठम 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 झूठ चुताली, ये सियासत की है जात कबूल शरबा की याद, ये है कैसा इनकलाब, बोले चौधरी शुजात लोटे भूले ना ये बात, चार दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात। आगे लीडर कैसे कैसे छोड़ो देखे छोड़ो देखे छोड़ो देखे, न्यूज़ कैफे में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट नईम साकिब। अक्खियों से गोली मारने की बातें तो बहुत हुआ करती थी, लेकिन आजकल सियासत में उंगली के इशारों की बहुत बातें होती हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसी इशारेबाज उंगली की जिसको अपनी इशारेबाजी की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। देखना चाहते हैं? ओके ओके देख लें। नाज़रीन, इस अनोखे अंजामे उंगली को देखकर मैं तो बहुत महतात हो गया हूँ। आप भी थोड़ा सा एहतियात से काम लीजिएगा, ऐसे ही किसी की तरफ उंगली ना उठाइएगा, वरना अंजाम तो आपने देख लिया, हाय हाय निकल जाती है। और भी बहुत कुछ है न्यूज कैफे में, मगर सबसे पहले हेडलाइन। प्राइम मिनिस्टर यूसुफ के दौरा इंग्लिस्तान की असल कहानी बूटे की जबानी, घास से चलने वाले पावर प्लांट ने काम शुरू कर दिया, पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए मास्टरमाइंड की अनोखी तजावीज, नेट सप्लाई बहाल होनी चाहिए सीनियर तजाकार की राय, पीपल्स पार्टी के गुमशुदा सेनेटर मिल गए, लारी ऑपरेशन पर बाबू मकरानी का खसूसी इंटरव्यू, बाबा रवान ने गाना शुरू कर दिया। नाज़रीन, पिछले हफ्ते हमने आपको खबर दी थी कि यूसुफ रजा गिलानी लंदन चले गए, आप कितना खुश हुए थे, लेकिन अब वो पूरे के पूरे वापस आ गए हैं, पूरे वफद के साथ वापस आ गए हैं। उनके हवाई बेड़े में किस तरह के लोग शामिल थे तो सब मिल गिनो। जी बूटा साहब, प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तेरा मशकूर हूँ भाई, नहीं मत तू सानू दावत दिती है, तिहाज पूरा पाकिस्तान मैनू वेखदा पिया है, शुक्रिया यार तेरा मेरा कादा। सुना आप वज़ीरे आज़म के साथ लंदन दौरे पे गए थे, यार आप ना तो वजीर हैं, ना मशीर हैं, ना कोई जर्नलिस्ट हैं, तो फिर दौरे पे किस तरह चले गए? गाल ते तेरी ठीक है भाई, नहीं मैं कोई वजीर मशीर तो हाँ नहीं, पर मैनू निक्के होंदे तो बड़ा शौक सी वलायत जावण दा। एक दिन मैं पीर उरां दियां नत्तां पियां नूं गुट दसा, और मैं पीराना खिदमत गुजार हाँ पीर उरां दा, तो पीर होरी वी लहरे च बैठे हो सन, मैं आख्या पीर जी, उस आख्या हाँ बूटिया, मैं आख्या पीर जी वलायत वेखण दा बहुत शौक है, उस आख्या है सजा वजा तो बच गए, तो 70-80 बंदा तो मैं लैके जा सकना, कोई लगा चली बूटिया मेरे के ना पल्यों खर्चा होना। आपके ख्याल में वजीर आजम का ये दौरा कैसा रहा? ओ भाई आ तेनों के दसा इस दौरे दियाँ गल्लां बातां, असी ओ के हथर हेथरो एयरपोर्ट, असी उत्थे उतरे ते रत्ता कारपेट विछाया होया उस इस्तकबाल वास्ते, उस आख्या भी क्या बात है क्या बात है, पाकिस्तान दा बादशाह आया है, उस जद मेरे वल वेख, ओए ओ सा क्या चौधरी बूटिया कमाल कर छड़े, कमाल कर छड़े,
आ गया फिर ते भरजाई ते बच्चे कित्थे ही मैं आख्या वाह ता जल सन घर ही ने छोटे मुंडे मेरे नू मिरोड़ लगे हुए सन उस आख्या ओए बूटिया ते चंगी नहीं कीती भरजाई तेरी घर टमाटर पकाई बैठी सी। अब इंग्लैंड की हॉस्पिटैलिटी से लगता है बहुत खुश हैं, क्या वजह है? यार गे वजीर आजम दे दौरे दियां गल्लां बातां भाई बादशाह बादशाह ही होंदा है भाई नहीं मां और पावे पाकिस्तान दा बादशाह होवे भाई बहुत क्या कमाल इज्जत मिली पीर बादशाह होसां बस के दसा मैं तू पूछ कुछ ना कमाल हो गया। अच्छा जितनी लंबी आप छोड़ रहे हैं मुझे लगता है आप लंदन गए ही नहीं। ओए ओके चंगा तेरा मुंह है भाई नहीं मैं अब पर गल बड़ी भैड़ी कीती हो तेरा के ख्याल है चौधरी बूटा झूठ पे बलेंदा है ओ मैं तो तेनू ए भी दस सकदा कि जिस होटल च उस सानू स्टे कराया है उस होटल दा नाम है वो चार चल होटल ओ बड़ा महंगा होटल ही को 1500-1600 ते उस दा किराया ही उस एक रात दा उस हट के आवाज मारी बैंड मैं आख्या पता नहीं वाजिया वाला बैंड आ गया उस फिर आख्या नहीं ओ डेविड मिली बैंड साढ़े यार बूटे नू लै चल पूरा विलायत विखा फिर डेविड मिली बैंड वड्डी मोटर लैके आया छिया दरवाजे वाली उस फिर सानू पूरा उस मोटर उत्ते विलायत विखाया। यानी आपको डेविड मिली बैंड ने सैर करवाई थी? और मैं के तेरे ना फारसी भी है बलेना बूटा अलग ना तेनू मैं ठीक है ठीक है। मगर ये बताएं कि दोनों ममालिक के दरमियान कॉमन इंटरेस्ट की क्या बातचीत हुई? ओए के दसा तेनू भरावा इधरों अंग्रेजों का बादशाह इधरों साडा पीर बादशाह अंग्रेजां दे बादशाह इंज अंग्रेजी बोलनी शुरू कीती है तो मैं घबरा गया पर जो फिर पीर बादशाह भी स्पैलिंग छिके ना अंग्रेजी दे तो ओ घबरा गया ओ साख्या किबला और जान छड़ो भाई अंग्रेजी दी ओ मेरी मदरी लैंग्वेज है जरा कोई उर्दू शुर्दू च गल कर ला मैं समझ जा सारी गल। फिर पीर हो रहा थोड़ा हाथ हौला रखिया तो फिर है उर्दू शुर्दू च गल करके गल लगा कटू। अच्छा इंग्लैंड के दौरे में क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और यार मेरा तो गला पिया सुकदा है तो मैं इस्लामाबाद भी जाना है तो मैं हूने भाई आसफ की कॉल आई है कॉल मैं उन्होंने मिस कॉल दी सी उस मैंने कॉल बैक की है तो मैं बड़ा जरूरी काम है। अच्छा इस्लामाबाद आपका अपना घर है जहाँ पे ठहरते हैं? ओ भाई ये इस्लामाबाद प्रेसिडेंट हाउस जाना वा यार ओ थे नहीं भाई आसिफ जरदारी जी ओ सा क्या भी चौधरी बूटिया ओ बड़ा दिल उदास है आ जा बैठ के को गप शप लाइए को दुख सुख दिया गल्ला करिए बड़े दिन हो आए नहीं बड़ी यारी अपना मित्र है भाई आसिफ उस ते कदी कदी मैनू ईजी लोड नहीं को 150 का ईजी लोड भी करा देंदा। आसिफ अली जरदारी आपके दोस्त है? ओ भाई ये नहीं मैं बड़ा बेतबारा जा बंदा है तेनू लगदा है चौधरी बूटा अब मैं झूठ पे बलेना है उस ते मैं उस दे नाल हुन अमरीका भी वेखण जाना है ओ मेरा मतलब है कि मेरे भरा दे भी ना को काम शोध दे इंज दे नहीं सलाह वजा उनू भी हो गई तो बात 70-80 बंदे ते ओ भी लेके जासी ना। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी बूटा साहब आप जाए अपने दोस्तों के साथ रब राख तेरा भाई नहीं मैं बात अमरीका दे दौरे तो वापस आ सा तो बाकी गल्ला फेर कर सा। क्या क्या किसी जमाने में दिमागों की नुमाइश हुई और इस नुमाइश में जिस दिमाग की सबसे ज्यादा बोली लगी वो दिमाग एक सियासतदान का था और ज्यादा कीमत लगने की वजह ये थी कि वो दिमाग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ था यानी मुकम्मल जीरो मीटर दिमाग था। इस तरह के जीरो मीटर माइंड अपना माइंड इसलिए इस्तेमाल नहीं करते कि उनके साथ हमेशा एक मास्टर माइंड होता है। जी हाँ इसलिए हमने भी आपके लिए एक फीमेल मास्टरमाइंड का इंतजाम कर रखा है शायद आपको भी किसी मशवरे की जरूरत पड़ जाए तो आइए मिलते हैं हमारे फीमेल मास्टरमाइंड से। मेल्स और कॉल्स के साथ मैं हूँ मास्टरमाइंड। आज भी मेरे पास बहुत से खतूत मौजूद हैं सो आइए देखते हैं कि हमें किसने क्या लिखा। ये पहला खत है और खासा तवील खत है जिसमें अवाम ने बेरोजगारी लोड शेडिंग गैस की किल्लत महंगाई के बारे में लिखा है और पूछा है कि अवाम के मसाइल कब हल हो जाएंगे।
प्यारी आवाम, मैं मास्टरमाइंड भी इस खत का जवाब नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ और ये यकीन दिलाती हूँ कि जो ही हुकूमत नजर आई आपके मसाइल का हल जरूर पूछा जाएगा। और हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम को नजर आना शुरू हो जाए, वरना ये तो तय है कि ये खत लिखा है एक कामचोर सरकारी मुलाजिम ने। उन्होंने लिखा है कि मास्टरमाइंड साहिबा, सुबह दफ्तर में लाइट नहीं आती, हम बैठे बैठे मजीद बोर हो जाते हैं, फिर शाम को घर पर भी लाइट नहीं आती, फिर हम घर पर भी फारिग बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। खुदारा हमारी फरागत और बोरियत को ख़त्म करने के लिए कोई तरगीब अनायत फरमाए। जनाब सरकारी मुलाजिम, बेहतर है कि आप अपनी बोरियत और फरागत दूर करने के लिए लोड शेडिंग के खिलाफ होने वाले जलसों में जाया करें। सदर आसिफ अली जरदारी के वादे गिना करें। वजीर आजम का हम खत क्यों लिखें, हम खत क्यों लिखें, सुना करें। ओके, जी फरमाएं। देखें जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी शादी तो नहीं हुई है। मैंने सोच लिया है कि मैंने अगस्त में एक आम ऐलान करना है, तो आप यूं करें कि अगस्त तक ऑनलाइन ही रहें। देखें मेरी बात सुने, हो सकता है कि मैंने आपके बारे में ही बात करनी हो, आप मेरी बात समझ रही है ना। हेलो नाज़रीन, मेरा अगस्त तक ऑनलाइन रहना बहुत मुश्किल है, और अगर मैं अगस्त तक ऑनलाइन रही तो ये बात तो तय है कि इसलिए अब इजाजत दें और अपना ख्याल रखिएगा। फिर शेख रशीद की कॉल। नाज़रीन आपने देख लिया कैसे कैसे हकीम लुकमान मास्टरमाइंड साहबा पर कुर्बान हो रहे हैं, मेरा मतलब उनसे मशवरा ले रहे हैं। एक सियाने बयाने सियासतदान ने तो हमसे ये भी पूछ लिया कि मास्टरमाइंड जिस घोड़े पर आती हैं वो घोड़ा कहाँ खड़ा होता है। मेरा ख्याल है कि हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होने वाली है। नाज़रीन एक बहुत पुरानी और बोरिंग खबर सुनाऊं, ब्रेक का वक्त हो गया है। ये तो बड़ी नानसाफी है यार, इस तरह तो वो जहाज बेचारा मर जाएगा। हवा में उड़ती जाए लोशे लोशे।